ओम शनिश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम छायापुत्राय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे सूर्य के महाराशि परिवर्तन से। सूर्य के धनु राशि में महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में जानेंगे। सूर्य का महाराशि परिवर्तन आप में से किन दशकों को बनाएगा नेम एंड फेम, किन की लगेगी सरकारी नौकरी, किन के जीवन में होगा भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं, शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 साल से लगातार दी जा रही है। चलिए जानते हैं पहले आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 16 दिसंबर सन 2023। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज से धनु मल मास प्रारंभ हो जाएगा। संक्रांति पुण्यकाल आज दोपहर 3:57 से सूर्यास्त तक रहेगा। आज संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:45 से पूर्वान 11:04 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। आज शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होगी। जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:27 से प्रातःकाल 9:45 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:22 से दोपहर 1:41 तक चर का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:59 से सायकाल 4:18 तक अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य आज दोपहर 3:58 पर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान सूर्य का धनु राशि में होने वाला महाराशि परिवर्तन आप में से किन राशि वाले लोगों को बनाएगा अमीर, किन्हें मिलेगी सरकारी नौकरी, किन के पास होगा गाड़ी बंगला पैसा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, इस तरह के महाराशि परिवर्तन से जुड़ी जानकारी हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश गोचर। सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर यानी आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। क्या होगा उससे, चमकेगा आपका भाग्य किसके समान, सूर्य के समान चमकेगा आपका भाग्य, सूर्य के समान। और क्या होगा, मिलेगी हर कार्य में
मनचाही सफलता। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलने वाला है, आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है। समाधान क्या रहेगा? सोने का सूरज लाल धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर, अष्टम भाव में प्रवेश। क्या होगा उससे? सूर्यदेव के एर्थ हाउस के अंदर महाराशि परिवर्तन से आपको करनी होगी जी तोड़ मेहनत, अपने कामों में मेहनत करनी होगी। आपके लक फैक्टर का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इन योर करियर। भाग्य के ऊपर डिपेंडेंसी को कम रखना होगा। और क्या ध्यान रखना होगा महाराज? अपनी सेहत का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। खून से संबंधित बीमारियों से बचना होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित बीमारियों से बचना होगा। समाधान क्या रहेगा? सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेवंथ हाउस अर्थात सप्तम भाव में अर्थात विवाह के घर में होने जा रहा है। तो सूर्यदेव के सप्तम भाव में सेवंथ हाउस में महाराशि परिवर्तन से क्या हो सकता है? पड़ सकता है विवादों, परेशानियों से पाला। और क्या हो सकता है? घर में कलह कलेश से आपको बचना होगा, रखना होगा ध्यान, विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का। पेट से संबंधित बीमारियों से बचना होगा, मैरिड लाइफ के फ्लक्चुएशन से बचना होगा। समाधान क्या रहेगा? जरूरतमंद मरीजों को हॉस्पिटल में निशुल्क दवा वितरित कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सिक्स हाउस में छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव शत्रुओं का भाव, उससे क्या होगा? सूर्य के महाराशि परिवर्तन से होगा आपके शत्रुओं का सर्वनाश, मिलेगी कोर्ट कचहरी से मुक्ति। और क्या होगा? आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपके तकदीर के दरवाजे खोलेगा, मिलेंगे अच्छे परिणाम, गोल्डन डे ऑफ लाइफ रहेंगे। समाधान क्या रहेगा? रविवार को ओल्ड एज होम में चले जाइएगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, फिफ्थ हाउस में। क्या होगा उससे? सूर्यदेव के पंचम भाव से महाराशि परिवर्तन करने से हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी मनचाही सफलता। और क्या होगा? संतान से संबंधित चिंताओं का निवारण होगा, रहेगा आपके जीवन का एक अच्छा समय। समाधान क्या रहेगा? वृद्धाश्रम में चले जाइएगा, ऊनी स्वेटर का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के महाराशि परिवर्तन के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य का महाराशि परिवर्तन होगा। क्या होगा उससे? चतुर्थ भाव में सूर्य यदि प्रवेश करेगा तो आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे अनैतिक कामों से बचना होगा। जमीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। समाधान क्या रहेगा? नियमित रूप से अदरक और गुड़ का सेवन कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य देव के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं आज सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। प्रथम छह राशियों की बात करी, आगे की छह राशियों की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे, तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से थर्ड हाउस में तृतीय भाव के अंदर गोचर प्रवेश। तो सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से थर्ड हाउस में होने जा रहा है। क्या होगा? तीसरा भाव पराक्रम का, तो क्या होगा महाराज? बनेंगे नेम एंड फेम, मिलेगा मान सम्मान, और क्या होगा महाराज? मिलेगा भाई बहनों का पूरा सपोर्ट, जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। समाधान क्या रहेगा? लाल रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा रविवार के दिन, निश्चित तौर पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में होने जा रहा है। क्या होगा उससे? सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से सेकंड हाउस में धन भाव में महाराशि परिवर्तन से मिलेंगे आपको मन चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बढ़ता हुआ दिखाई देगा तिजोरी में धन, पॉकेट में मनी, और होगा नौकरी में मन चाहा प्रमोशन, उन्नति। समाधान क्या रहेगा? हल्दी मिश्रित जल से सूर्यदेव को जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से प्रथम भाव में प्रवेश गोचर। आपकी राशि में ही सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या होगा उससे? सूर्यदेव के आपकी राशि में ही गोचर से महाराशि परिवर्तन से भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। मनचाही मुराद आपकी पूरी हो सकती है, आपके जीवन का एक गोल्डन समय रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वभाव में तेजी क्रोध की अधिकता भी आ सकती है। समाधान क्या रहेगा? कुष्ठ आश्रम में गेहूं के आटे का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में बारहवें भाव में होने जा रहा है। तो सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है? तो सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से रहना होगा आपको विशेष तौर पर सावधान। हो सकता है व्यर्थ का अपमान, व्यर्थ का अपयश, कोर्ट कचहरी के मैटर से दूर रहिएगा, जुआ सट्टा लाटरी शेयर मार्केट इन सब से दूर रहिएगा, जमानत गारंटी नहीं लेनी है। समाधान, अपंग व्यक्ति को बैसाखियों का दान कीजिएगा, सूर्य के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में इलेवंथ हाउस में ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है। क्या होगा उससे? मिलेगा बिजनेस के अंदर व्यापार में मन चाहा लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन रहना होगा सावधान, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके चलिएगा। समाधान क्या रहेगा? अपाहिज लोगों को भोजन करवाइएगा, निश्चित तौर पे सूर्यदेव का राशि परिवर्तन शुभ परिणाम देगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से टेंथ हाउस में दसम भाव में होने जा रहा है। क्या होगा उससे? मिलेगी नौकरी, मनचाही जगह पे नौकरी मिल सकती है, होगा नौकरी में मनचाहा प्रमोशन, पदोन्नति, लेकिन रखना होगा अपनी बोली पर संयम,
आपकी बोली से बिगड़ सकता है बना बनाया काम। समाधान क्या रहेगा? बैल को गेहूं खिलाइएगा, गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो ये तो बात हुई सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं हमारी माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए जान लेते हैं। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। तत्पश्चात भोजन में गुड़ का बना सूजी का हलवा, काली उड़द दाल और तेल के पराठे बनाइएगा। दो पत्तल में सारा भोग रखकर घर के सभी सदस्यों का हाथ लगाइएगा। भोग वाला एक पत्तल शनि मंदिर में रख के आइएगा और दूसरा भोग वाला पत्तल काले कुत्ते के खाने के लिए रख दीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी शनि जनित दोषों से, अकाल मृत्यु के भय से, एक्सीडेंटल योग से परमानेंट मुक्ति। आइए अब जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो क्या कहता है आज का गुड लक टिप्स? दोस्तों, आपके घर में गंगा जल तो होगा ही, लगभग हर घर में गंगा जल रहता है, नहीं हो तो लेके आ जाइएगा। आज मैं आपको आपके पसंदीदा गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूँ कि गंगा जल के प्रयोग से आप अपने जीवन की कितनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा गंगा जल का क्या प्रयोग करें महाराज जिससे कि हमारे जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियाँ दूर हो, लिख लीजिए, समझ लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और कहीं नहीं बताई जाती। आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही इतनी सारी जानकारी दी जाती है। तो आइए जानते हैं गंगा जल के चमत्कारिक प्रयोग। अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। क्या होगा? नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करने से घर के समस्त वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। नेगेटिविटी उस घर में नहीं रहती है जहां नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव किया जाता। अपने सोने वाला जो बिस्तर है, आपका जो बेड है, उस पर यदि आप गंगा जल के छींटे डाल देते हैं तो क्या होता है? डरावने सपनों से मुक्ति मिलती है, अच्छी नींद आती है। एक पात्र में गंगा जल भर कर रखे, घर के सदस्य मानसिक अवसाद से दूर रहेंगे। घर के मंदिर में रखे शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, घर में रहेगी सुख शांति समृद्धि। रसोई घर के ईशान कोण में एक पात्र में गंगा जल भर कर रखे, मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। धन रखने के स्थान पर एक पीतल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भर कर रखे, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा। प्रतिदिन तुलसी युक्त गंगा जल का चरणामृत का सेवन करें, कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, शुगर, स्किन के रोगों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार गंगा जल के उपयोग से हम अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में सक्षम हैं। तो गंगा जल यदि आप अपने घर के अंदर रखते हैं, यदि आपके घर के अंदर कोई कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, शुगर, स्किन की बीमारी से परेशान है तो क्या करें? गंगा जल एक पात्र में रख लीजिए, एक तुलसी का पत्ता उसके अंदर डाल दीजिए, सीधे हाथ में रखकर 15 मिनट तक ओम जूम से माम पाले पाले सहजूम ओम, ओम जूम से माम पाले पाले सहजूम ओम, ओम जूम से माम पाले पाले सहजूम ओम, इस मंत्र का जाप करके और फिर उस गंगा जल, तुलसी युक्त गंगा जल में फूंक मारकर उस गंगा जल का जो सेवन है वो बीमार व्यक्ति को करवा दीजिए। क्या होगा? कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल, शुगर, स्किन के रोगों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि घर के अंदर गंगा जल अवश्य होना चाहिए, छह चीजें हम बताते हैं, गौ, गंगा, गायत्री, शालिग्राम, शंख और तुलसी। ये छह चीजें आपके दैनिक जीवनचर्या में होनी चाहिए। गौ यानी गौग्रास आपको हमेशा निकालना चाहिए। गंगा जल यानी आपके घर में गंगा जल रखा होना चाहिए, और सिर्फ रखा हुआ नहीं होना चाहिए, गंगा जल का चरणामृत लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गायत्री नियमित रूप से चाहे 11 बारी गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करें। तो गौ, गंगा, गायत्री, शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक शालिग्राम घर के अंदर अवश्य होना चाहिए। शंख
शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है। शंख में जल भर के रखिए, वो भी गंगा जल भर के रखिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। अगले दिन 24 घंटे में वो जल अमृत बन जाता है। उस जल का सेवन, अगले दिन उस जल को फेंकना नहीं है, घर के सभी सदस्यों को चरणामृत के रूप में पिला दीजिए। आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो हकलाता है, स्पीच प्रॉब्लम है, इस तरह का जल उसको पिलाइए, उसकी स्पीच प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपके घर के अंदर बच्चों में क्रोध रहता है तो ऐसा जल उनको पिलाइए, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, घर के सभी सदस्य उस गंगा जल का सेवन करें, निश्चित तौर पर उनके प्रेम भावना बढ़ेगी, कड़वाहट खत्म होगी। तो गौ गंगा गायत्री शालिग्राम शंख और अंत में तुलसी। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल युक्त जल से तुलसी माता को जल का अर्घ प्रदान करें। देशी घी का दीपक लगा के उसकी परिक्रमा करें, मनुष्य जीवन सुधर जाता है। गौ गंगा गायत्री शालिग्राम शंख और तुलसी, ये 6 चीज़ों को अपने जीवन में बना के रखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।